जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी घर बैठे प्राप्त होती रहती है और ये ऐसे उपाय और टोटके होते हैं जिनको प्रयोग में लेकर के आप अपने जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु राशि अनुसार उपाय, हर एक राशि के जातक के लिए कौन सा उपाय करना उचित होगा, कौन सा रत्न धारण करना उस जातक के लिए उचित होगा, ये जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। तो इस जानकारी को प्राप्त करके, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जानकारी है ये आपके लिए जीवन पर्यंत का उपाय है, लाइफ टाइम का उपाय है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो जीवन भर इन उपायों को आप करके अपने जीवन के दुख और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के उपायों को जल्दी से जल्दी आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और अपने जीवन में आ रही दुख, बाधा और कष्टों से मुक्ति पाएं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो और उसकी वजह से उसके कार्यों में सफलता ना मिल पा रही हो तो ऐसे में राशि अनुसार उपाय करना जातक के लिए चमत्कार से कम साबित नहीं होता है। इन उपायों से धन संबंधी कार्यों में आ रही बाधाएं, घर परिवार के कई दोष दूर हो सकते हैं और भाग्योदय निश्चित ही होता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये राशि अनुसार उपाय। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक लोगों का नाम अक्षर बनता है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, ड, डे, डो। ये वर्ण जो हैं ये कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। हर रोज घर के पश्चिम दिशा में कबूतरों को ज्वार के दाने चुगाने से घर के सभी दोष और आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष हैं वो शांत होते हैं। घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। परिवार में शांति बनी रहती है। राशि स्वामी चंद्रमा के लिए शिवलिंग पर दूध और जल समर्पित करना चाहिए। हिंदू माह में दो चतुर्थियां आती हैं। इन दोनों तिथियों पर चंद्रमा का पूजन आपको करना चाहिए। कर्क राशि के लोग ज्यादातर व्यवसाय में रहते हैं, यानी कर्क राशि वाले ज्यादातर जो जातक हैं लोग हैं वो बिजनेसमैन देखे गए हैं। खुद पर ज्यादा ध्यान न देने से ज्यादातर लोग अस्वस्थ ही रहते हैं। तो आपने देखा होगा ज्यादातर बिजनेसमैन परेशान रहते हैं। नौकरी वाले का क्या है, 10 से 5 काम करता है, परिवार के साथ समय देता है, अपने लिए समय निकालता है। बिजनेसमैन का कोई दिन कोई समय नहीं होता, वो रात में 2 बजे भी भाग दौड़ कर रहा होता है अपने काम के लिए। तो अपने काम से आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके लिए भाग्यशाली दिन सोमवार तथा बुधवार बनता है और रत्न बनता है मोती। तो मोती को आपको सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। चांदी में बनवा करके आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके ये मोती पहनना चाहिए। कर्क राशि के लिए शुभ रंग बनता है सफेद। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में जो कष्ट की स्थिति, कठिनाई की स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहता हूं कि ये जो छोटे छोटे सरल उपाय और टोटके हैं ये आपको निश्चित रूप से पसंद आ रहे होंगे। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को, बाधाओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं।
आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए, हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, चैनल का नाम है वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।